टूट गया जा जा टूट गया परफेक्शन से बने हुए आलू टिक्की कॉफी नहीं दूध ही उबल गया कॉफी तो भी डाले भी नहीं बहुत अच्छा शबाना सी सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू मरियम का मैजिक और आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है भाभी के घर से होने वाली है क्योंकि भाभी के घर में हम लोग जा रहे हैं स्पेशल कुछ खाने के लिए तो आप भी चले प्लेट्स लग रहे हैं हमारे अच्छा ये मिर्ची यहाँ पे लेकिन चॉप नहीं हुए ना और ये हमारे मटर अच्छा केक की खुशबू तो हमारी बाहर तक आ रही थी गेट पे एंट्री करते वक्त ही ये एक चॉकलेट फ्लेवर केक है बस हार्ट शेप नहीं है ये चाट के लिए परफेक्शन से बने हुए आलू टिक्की आहा गर्मा गर्म मटर छोले है या मटर आप लोग कमेंट में बताएं हमारे लिए तो मटर सब कुछ पहले से प्रिपेयर्ड था मास्टर शेफ के थ्रू पता नहीं किसकी किस्मत में ये मास्टर शेफ जाएंगे किसी लजीज लजीज खाने बना के देंगे बात पता है जब मास्टर शेफ है इनकी बीवी कहीं ऐसी ना मिले कि इनसे ही सारा खाना बनवाए इमली की चटनी धनिया पत्ती की चटनी इमली की चटनी दही और चाट मसाला और चिली पाउडर तो दोस्तों मेरी भाभी का भाई सऊद जो आया हुआ था अब वो वापस अपने घर जाने वाला है इसलिए जाने के पहले वो ना हमें एक बहुत अच्छा सा ट्रीट देना चाह रहा था इसलिए वो घर पे सारा कुछ खुद से बनाया आलू टिक्की मटर और सारी चटनी टमाटर की टमाटर सॉरी इमली की चटनी दही धनिया पत्ती की चटनी और चाट आप देख रहे हो कि इतना डिलीशियस था ना जितना खाओ पेट नहीं भर रहा था और यहाँ पे आयशा अपना एक सूट पीस हमें दिखा रही थी जो कि पाकिस्तानी पैटर्न का है ये वो अपने गांव से लेकर के आई थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी डाले भी नहीं रियलिटी हम लोग दिखाते हैं यस मिले अच्छा इसे साइन से हम लोग ठीक कर लेंगे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह या अल्लाह कौन सा दुआ पढ़ते सुनी बहुत अच्छा शबाना सी द क्रिएटिविटी ऑफ द टैलेंटेड बॉय वाओ नो बर्थडे किसी का बर्थडे नहीं है भी तो वैसे क्या आसिया को लेके चला गया उधर आशु इधर आओ
है फ्राइडे का क्लिप, और फ्राइडे हम लोग जुबली पार्क बस बच्चों को लेकर के गए थे, और सऊद भी अभी तक जुबली पार्क एक बार भी नहीं गया था और वो घर जाने वाला था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग एक बार मिल करके जुबली पार्क जाएं। और काफ़ी सही लगा, फाउंटेन्स जो है वो तो नहीं ऑन थे फ्राइडे के दिन, लेकिन हम लोग काफ़ी मस्ती कर ली। और यहाँ पर ना मैरी गोल्ड के फ्लावर्स बड़े अच्छे ब्लूम हो रहे हैं। और शाम में हम लोग ज़्यादा देर वहाँ रहे नहीं, हमें बाहर जा कर के खाना था डोसा। तो अभी हम लोग जो है यहाँ से निकलने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे बच्चे भी और हम लोग भी, और खाते वक्त मैं कुछ प्रॉपर शूट नहीं कर पाई थी, ये शॉर्ट्स में ली थी तो वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हम लोग जो है पनीर अनियन मसाला डोसा ऑर्डर किए थे, दैट वाज सो यम। और अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक विंटर क्रीम, जो कि मैंने प्रीति प्रेरणा नाम के यूट्यूब चैनल पे देखा था, और ये ड्राई स्किन के लिए है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रफ डैमेज है तो उसके लिए DIY मतलब कि घर पे बना हुआ एक क्रीम है। और इसके लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना पैसे लगा दिए हैं, क्योंकि मुझे ये ट्राई करना था और आपके साथ शेयर भी करना था। तो देखते हैं इसका रिज़ल्ट कैसा होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे मैंने हैंडफुल ऑफ आलमंड जो होता है बादाम वो लिए हैं, साथ ही सैफ्रॉन केसर जो है उसके कुछ धागे जो हैं वो थोड़े से वो मैं ली हूँ, और साथ ही रोज़ भी मैं ख़रीद करके मंगवाई हूँ, और रोज़ के पेटल को, इन सारी चीज़ों को ना पानी में सोक करना है। तो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को सोक करके रख दूँगी एक दिन के लिए कम से कम, हमें मतलब ओवरनाइट इसे सोक करना होगा, तो नेक्स्ट डे मैं इसे बनाऊँगी। और इसका कलर इतना खूबसूरत लग रहा था ना, वाटर का कलर, और पता नहीं मुझे रिज़ल्ट कैसा रहेगा, ये मैं पहली बार बना रही हूँ तो इसके बारे में मैं पहले से कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से सोक्ड हो गई हैं, तो इन्हें ना सोक्ड करने के बाद ग्राइंड करना होता है। वैसे आप लोग कौन से क्रीम को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, मार्केट बेस्ड या होम बेस्ड, मुझे ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट डे ना जब ये अच्छे से सोक्ड हो जाता है, तो बादाम को छील करके उसे और रोज़ पेटल जो है इन दोनों को अच्छे से वाटर के साथ ही मैं ना अच्छा सा पेस्ट बना दी थी जैसा कि बनाना था। और आप देख सकते हो कि इसका पेस्ट काफ़ी सही लग रहा है, बिल्कुल पर्पल कलर का। और अब ना हम लोग इसे स्ट्रेन करेंगे, तो स्ट्रेन करने के लिए मैं नॉर्मल स्ट्रेनर यूज़ कर रही थी जो कि काम नहीं किया, इसलिए मैं ना शिफॉन के दुपट्टे में इसे स्ट्रेन की, जो कि काफ़ी अच्छे से हो गया और काफ़ी स्मूथ सा पेस्ट मुझे मिला। और यहाँ पर आप देखें, इसमें अभी हमें बाकी चीज़ें मिलानी है। इससे पहले ये जो बचा हुआ छानने के बाद जो भी कुछ मटेरियल बच गया था ना, उसे आप स्क्रब या फेस पैक के तौर पे लगा सकते हो, तो मैंने इसमें मिल्क ऐड करके फेस पैक के तौर पे लगाया, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, मेरा स्किन इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो, मतलब कि मेरी स्किन में ना डलनेस आ गई थी इसे लगाने के बाद, इंस्टेड ऑफ गेटिंग ग्लोइंग और फ्रेश स्किन, तो मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा इसका फेस मास्क। और अब बात करते हैं क्रीम की, तो इसमें हम लोग जो सैफ्रॉन वाटर बनाए थे ना, उसमें से सैफ्रॉन ऐड करेंगे, और ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना। वैसे भी मुझे लग रहा है कि मेरा जो क्रीम है थोड़ा ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी का बन गया है, हमें इससे कम वाटर यूज़ करना चाहिए। इसमें एलोवेरा जेल जो है वो मैं गुड वाइब्स का यूज़ कर रही हूँ, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद इसे अच्छा सा पेस्ट बना के आप डेली बेस पे इसे अप्लाई कर सकते हो। तो मैं अपना अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो देखने में ये मेरा क्रीम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सा बना था, लेकिन अगर इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो मेरी स्किन बिल्कुल भी इससे अच्छी नहीं हुई, बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब हो गई, और भी ज़्यादा रफ ड्राई डैमेज सी हो गई, जैसे कि कोई चीज़ वो होता ना घमोरिया टाइप की, उस तरह से हो गई। तो मेरे तरफ से तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा वेस्ट और टाइम एनर्जी सब कुछ वेस्ट हो गया इसके जगह पे। मुझे लगता है कि ना मार्केट बेस्ड क्रीम ही ज़्यादा सही रहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो तो, क्योंकि YouTube में जो वीडियोस बनाते हैं वो लोग एक्सपर्ट्स होते हैं, और हो सकता है उनका स्किन अलग हो या मेरा स्किन अलग हो। तो खैर, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये ब्लू नेक्टर का ही एंटी एजिंग क्रीम है, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। 995 इसकी प्राइस है, लेकिन अमेज़ॉन या इनके वेबसाइट पे ना आपको ये डिस्काउंट में मिल जाती है, और क्वांटिटी 50 ग्राम है, और ना ये आयुर्वेदिक बेस्ड है, और ना इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल केमिकल फ्री है। हर्बल प्रोडक्ट्स, जो हर्बल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें यूज़ की हुई है, और इसे यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अंदर में एक छोटा सा टब है जिसमें ये फील करके रखा दिया है इन्होंने क्रीम, और इसे मैं पूरी विंटर यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि ये सिर्फ ड्राई स्किन के लिए है या फिर एंटी एजिंग है, मतलब जिनकी स्किन ज़्यादा
ज़्यादा एज्ड हो गई है, तो मेरे ख्याल से ये मुझे बस विंटर में ही सूट करने वाली है। उसके बाद मेरी स्किन इससे बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएगी, इसलिए मैं इसे जम कर यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी स्किन को काफ़ी हद तक सॉफ्ट स्मूथ बना दे रही है। इसका जो फ्रेग्रेंस है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अगर आप चाहो तो इसे ट्राई कर सकते हो। मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगी है। एंटी एजिंग क्रीम ज़रूरी नहीं है कि एजेड लोग ही यूज़ करें, जिनकी स्किन ड्राई है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक, आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।